जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार इंसारी। तो दोस्तों, मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आप तमाम तर दोस्तों की खिदमत में आज लाइव हाज़र हैं। और आज हम लाइव हाज़र हैं बड़ी ही फाइन क्वालिटी और बड़ी खालस हालत में, खूबसूरती प्लस क्वालिटी दोनों चीज़ें एक साथ एक छत पर आज इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको आज के ये परिंदे, जो दोस्त अहबाब रेड आइज लवर हैं बिलखसूस, उनको बहुत पसंद आएंगे आज के हमारे ये परिंदे। तो दोस्तों, ये आज समझ लें कि आज एक ट्रेलर है, सिर्फ चंद एक परिंदों को आपको मैं शो करवाऊंगा हाथ में पकड़ के, आंखों का परों का। फिर एक मखसूस टाइम लेंगे भाई से इंशाल्लाह, और इनके मुकम्मल ब्रीडिंग सेटअप का आपको लाइव शो करवाएंगे। तो आप सब दोस्तों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि इनके परिंदों का लाइव शो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आज एक ट्रेलर है, स्टार्ट करेंगे चंद एक परिंदों से। तो पहले मैं भाई से गुजारिश करूंगा कि आप सब दोस्तों को एक बार वो जरा चलते फिरते परिंदे दिखा दें, उसके बाद मैं आप सब दोस्तों को जो है वो इंशाल्लाह इन परिंदों का हाथ में पकड़ के, आंखों का, परों का। ये सर पकड़े जरा, डॉक्टर साहब दिखाएं जरा चलते फिरते। नहीं नहीं ये मोबाइल पकड़े, मोबाइल चलते फिरते दिखाएं जरा। सीधे रखा मोबाइल, सीधे रखना। ये जो प्यारे दोस्तों माशाल्लाह ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल कलर में, इनके खालस होने की निशानी इनकी नोके नोट करें आप। तो आज जितने भी रेड आइज लवर हैं वो जरा दिल खोल के बैठे, चलते फिरते दिल खोल के लाइक करना है आप सब दोस्तों ने। और परिंदे पसंद आए तो आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है, और आपकी शेयरिंग, आपके लाइक करने से हमारी भी हौसला अफजाई है। और हमारे जिस दोस्त भाई ने ये परिंदे कलेक्ट किए हुए हैं, जिसने संभाले हुए हैं एक अरसा दराज से, उस हमारे दोस्त की भी हौसला अफजाई है। तो सिर्फ आज ये समझ लें कि एक ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको, नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्राम बना के भाई के साथ इनके जो मुकम्मल ब्रीडिंग सेटअप और मुकम्मल परिंदों का आपको शौक करवाना है। तो ले हम बढ़ते हैं अब शौक की जाने, जो कि कैमरा मैन की फ्राइज जो है वो आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई सैफ खान साहब सर अंजाम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे आज के ये परिंदे हमारे भाई के बड़े पसंद आएंगे। ये जी माशाल्लाह काफ़ी दोस्त आ गए लाइव हमारे साथ, अली इजाज साहब। ये सैफ भाई जी, सैफ भाई लो। ये जी फर्स्ट परिंदे की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप दोस्तों ने इसका कलर रोड करना है, इसका कलर देखे माशाल्लाह। कार भाई ये थे हो सकते हैं, एंटीक कलर है माशाल्लाह। दरअसल ये परिंदे अंदर छांव में ही रह रहे हैं, तो छांव में होने के बावजूद आप इनकी आंखें देखें, इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा आपको। ये है जी हमारे प्यारे भाई का सदा रोशन बड़ा कबूतर। अभी ये आप सब दोस्तों ने मुझे बताना है कि सदा रोशन इसके ऊपर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा नाम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, जान लेवा जी, क्या बात है। देखें जी, जो रिंगों के फैन है, जो रिंगों से प्यार करते हैं, ये रिंग है जी खूबसूरती प्लस क्वालिटी की जमानत। ये बढ़ते इसके परों की जाने, ये जी क्या बात है, बहुत शानदार कलर, परों की तरतीब बेमिसाल माशाल्लाह। और ये देखें दसवां पर कहाँ आ रहा है, दसवां पर कैसे नौवें और आठवें के नीचे आ रहा है माशाल्लाह। ये जी हमारे प्यारे भाई का सदा रोशन बड़ा कबूतर है माशाल्लाह, और वाकई ये इस नाम का हकदार है कि इसका जो आइज क्लोजअप है बेमिसाल है जी माशाल्लाह, बहुत ही आला। इसकी दूसरी आंख में मैं चाहूंगा आपको शौक कराऊंगा एक बार। क्या होगा गले को, ये चीज ही जी। हसन अली भाई
और जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं इस वक्त, हमें जरा वीडियो क्वालिटी के बारे में बताएं। ये फर्स्ट कबूतर है, अब इसके बाद इंशाल्लाह को 5-4 और दिखाता हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा मेरे तमाम दोस्तों को। वीडियो क्वालिटी ठीक चल रही है और वॉइस क्वालिटी भी ठीक है। मेरे गले को निकाल के, गला पता नहीं क्या हो गया गले को अचानक। ये जी मुकम्मल बंतर का शौक करें। ये ना दरअसल परिंदे रहते अंदर ही हैं सिर्फ, भाई जरा बाहर शायद नहीं, इनको जाल वगैरह सिस्टम नहीं है, अंदर धूप से काफी धूप में कम ही आते हैं परिंदे, इनको पकड़ा भी नहीं कभी, पकड़ते भी नहीं है, बस दाना डाला अपना शौक के लिए देखते हैं भाई। ये लीजिए नेक्स्ट परिंदे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट परिंदे का शौक करते हैं। नहीं जी नेक्स्ट कौन से परिंदे का शौक करवाएंगे आप हमें। ये जी नेक्स्ट एक और बड़ा कमगर कबूतर आया जी माशाल्लाह। ये जी दूसरा परिंदा आ गया माशाल्लाह जी। जी मुबशर भाई वालेकुम अस्सलाम। ताहिर बिलाल साहब शुक्रिया जी। अली इजाज साहब वीडियो के बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी क्या शानदार रिंग चल रहे हैं इसकी आंखों में, और इसकी नोक आपने नोट की है प्यारे दोस्तों के, ये इसके खालस होने की निशानी है। इसकी पलकें किसी कैसी नम खुशक पलकों के मालिक नहीं है, नम पलकों के कबूतर हैं ये, और नोक देखें ये इसके 100% खालस होने की निशानी है माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जिसके पल्ले की जाने। माशाल्लाह पूरी ताकत वाला पल्ला और परों की तरतीब बहुत आला। सबसे जो प्यारी बात है आप नोट करें दोस्तों, इसके अंदर जो परों में शेड्स चल रहे हैं, बड़े एंटीक शेड है माशाल्लाह और बड़े प्यारे शेड्स हैं जी। मुबशर भाई बहुत शुक्रिया जी, और जितने भी दोस्त सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। हकीम मुबशर साहब ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई जनाब रुस्तम कसूर उस्ताद भी हमारे साहब के शिगिर्द हैं पतोगी से, और जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। ये जी मुकम्मल बंतर का शौक करें आप इस कबूतर की। माशाल्लाह जी शेड्स देखें गर्दन में कैसी खूबसूरत निकल रही है इसकी। माशाल्लाह नेक्स्ट परिंदे की तरफ बढ़ते हैं जी। ये जी सबसे पहले आपको जो परिंदा मैंने दिखाया था जिसे सदा रोशन बड़ा कबूतर कहा था, ये उसका बेटा आ गया जी। अल्लाह अकबर। ना यार इतना गुस्सा नहीं। ये जी सदा रोशन बड़ा कबूतर है उसका बेटा, और माशाल्लाह ब्रीडिंग में लगा हुआ है और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले बच्चे निकाल रहा है इस टाइम। देखें इसका पल्ला माशाल्लाह, वही क्वालिटी, दसवां पर बिल्कुल नीचे आ रहा है, रंगीन पर खूबसूरत तरीन पर माशाल्लाह जी, बहुत अला तरतीब थी परों की। देखिए पंजे माशाल्लाह जी। दरअसल ना पकड़ते नहीं भाई, सिर्फ शौक के लिए कलेक्शन, एक असद रास इनके पास है। जो दोस्त समझते हैं वो मानेंगे कि वाकई ये बड़ी ही फाइन क्वालिटी और खालस के करीब तरीन है। देखिए माशाल्लाह आंख की क्या बात है। ये जी रोशन चिराग का बेटा है माशाल्लाह जी, A1 क्वालिटी जी माशाल्लाह। पढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट परिंदे की जाने। उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। लाइक सर कौन सा नेक्स्ट परिंदा दिखाना चाहेंगे आप? जंगली। ये जी बड़ा परिंदा है, मेन ब्रीडर कबूतर है, नाम मेरे भाई ने इसका रखा हुआ है जंगली। बहुत खूबसूरत जी माशाल्लाह।
यहाँ पे हम कह सकते हैं खूबसूरती और क्वालिटी एक साथ एक परिंदे में नजर आएगी माशाल्लाह आपको। उस्ताद तारिक फरूक साहब फ्रॉम गुजरांवाला शहजादा कसूरी, वाकई शहजादा बना हमारा शहजादा कसूरी। ये जी पुराने पर क्रीज में, लेकिन न्यू पर जो निकाल रहा है उसके अंदर जो शेड्स हैं, जो तीली का परों के साथ कम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, वो आप बखूबी नोट कर सकते हैं। अब इसकी दुमका शो करवाता हूँ, इसकी दुमका इसलिए करवा रहा हूँ, ये मोहब्बत वाला परिंदा, ये हाथ में ज़रा आराम से टिक गया, वो बाकी परिंदे टिक नहीं रहे थे। इसकी मेहरबानी, ये शोक कर रही है, मैं शोक करने दे रहा है परिंदा। माशाल्लाह ये बिल्कुल खुशक और बारीक पंजे हैं माशाल्लाह, और लंबे नाखूनों के साथ माशाल्लाह जी। जी अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, और जितने भी दोस्तों ने लाइव में हमें सलाम कहा सबको वालेकुम अस्सलाम। लेकिन इसकी दूसरी अंकल शोक करवाना चाहूँगा, ज़रा बताइए कमेंट्स करके अपनी राय से लाजमी आगाह करना आप सब दोस्तों ने हमें। भैया जरा वॉइस बंद कर देना, कितनी बारी आवाज कबूतर तो अपनी जगह रखो। अच्छा अच्छा ये जी माशाल्लाह, ये दूसरी अंक शो करें, बड़े मेन ब्रीडर जंगली कबूतर का। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट फीमेल की जानिब, कोई दो फीमेल का भी आपको शो करवाते हैं। बड़ा ही परेल कबूतर है माशाल्लाह, बड़ा ब्रीडर कबूतर है ये जंगली माशाल्लाह। नहीं जी फीमेल आ गई, ये जी ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल कलर में, ओरिजिनल आंख में कसूरी कमग्गर फीमेल का आपको शो करवाते हैं। ये चीज माशाल्लाह जी, शाहिद महमूद साहब वालेकुम अस्सलाम जी, शहजादा जी बहुत शुक्रिया जी। जी मैंने पहले कहा था जितने भी रेड आइज लवर हैं, आज इंशाल्लाह ताला इस छोटी सी वीडियो से उनके दिल को तसल्ली होगी, अच्छे कबूतर देखने को मिलेंगे माशाल्लाह। ले जब उसके परों की जाने बढ़ते हैं, देखे दराज बगल है, बड़ी बगल है, पला पूरा खोल दिया, लेकिन जिस्म अभी भी बगल से ढका हुआ है। बस इन परिंदों में एक चीज़ की कमी है, वो कमी ये है कि ये परिंदे धूप में बाहर नहीं आते, अंदर कमरे में ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इनके कुछ बैलेंस जो ज़रा है वो परों शरों के आउट हुए हैं। अगर यही परिंदे बाहर जाल शाल में हों तो इनकी खूबसूरती में डबल इजाफा हो जाए। देखें जी माशाल्लाह कैसे खूबसूरत और शानदार जामुन कलर के पंजे हैं, और परियों की स्पोर्ट देखें कहाँ तक माशाल्लाह। ये इसकी भी दूसरी आंख का शौक करें प्यारे दोस्तों। ये जी जितने भी मेल्स दिखाए उसके बाद ये फर्स्ट फीमेल है जिसका आपको शौक करवा रहे हैं, उम्मीद है कि आप फीमेल देख के भी आपको बड़ा मजा आएगा। ये समझ लें कि आज हम सिर्फ और सिर्फ चांद एक का आपको शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक मुकम्मल कंप्लीट प्लान बना के इंशाल्लाह ताला भाई के मुकम्मल मेन ब्रीडर कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी नेक्स्ट फीमेल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीमेल हम शॉक करेंगे अब कमग्गर फीमेल का। जी लगता है ये भी रोशन चिराग की बेटी है। हाँ ये भी सदा रोशन की बेटी है, रोशन चिराग नहीं सदा रोशन। माशाल्लाह जी देखें माशाल्लाह किस तरह उभरी हुई आंखें हैं, और आंखों में चमक नोट करें आप सब दोस्त माशाल्लाह। ये जी दोस्त इसका पला नोट करें, चौधरी थे शाम साहब वेलकम सर वेलकम। ले जी इसकी दूसरी आंख का शौक करें, ये देखें जरा इस यूं लग रहा है जैसे इसके रेड जरा पानी में तैर रहे हैं,
ऐसी नम आंख है और ऐसी रोशन आंख है माशाल्लाह। वाकई इसका बाप का नाम सही रखा है भाई ने, सदा रोशन। कि जहाँ जहाँ डालता जाएगा वो पर आंखें रोशन ही रहेंगी इंशाल्लाह ताला। नहीं जी, बढ़ते नेक्स्ट परिंदे की जाने। अभी नेक्स्ट ये जी एक भाई के पास ओरिजिनल आदमी कबूतर है माशाल्लाह। पीली पलकें, साफ नोक, अपने खालस होने की जमानत माशाल्लाह। और इसकी नोक में आप गुलाबी पर नोट करें, और इसकी पलकें जो हैं वो माशाल्लाह कच्चा पीला कलर है। और देखें आंख किस कदर माशाल्लाह पूरी फिट बैठी है। माशाल्लाह जी, बर्तन इसके परों की जानिब। जी मुबशर भाई, ये देखें जी वही क्वालिटी कि दसवां पर कैसे अंदर की तरफ, क्या बात है माशाल्लाह। बहुत अलग ये जिसकी मैं दूसरी आंख का भी शौक कराता हूँ आपको। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को आज का ये हमारा शौक पसंद आया होगा। और बड़ी खालस फाइन क्वालिटी में आपको मगर कबूतरों का शौक करवाया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चंद दिनों में इंशाल्लाह इनके मुकम्मल ब्रीडिंग सेटअप का आप सब दोस्तों को शौक करवाएंगे। ये ब्रीडिंग सेटअप ज़रा रखा हुआ उस तरीके से कि अंदर है, धूप में नहीं आते परिंदे ये, और धूप में नहीं आ रहे परिंदे, तो धूप में ना आने की वजह से इन परिंदों की हुसन में, खूबसूरती में बहुत कमी है। तो ये दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट वकार इंसारी को इन खालस हालत में परिंदों के साथ दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करे।